हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल रंबल 2022 के मेजर अपडेट के बारे में, गोल्डबर्ग के बहुत बड़े क्राउन जूल मैच के कंफर्मेशन के बारे में, एंड हम बात करेंगे आज के रॉ के मेन पॉइंट्स के बारे में भी। दोस्तों, आज की रॉ काफी कमाल की थी। आज की रॉ में हमें काफी सारे अच्छे मैचेस एंड शॉकिंग मोमेंट्स एंड अच्छे स्टोरी लाइन देखने मिले, एंड इवन देखने मिला गोल्डबर्ग का रिटर्न। तो क्या था रॉ का मेन इवेंट, कौन जीता, कौन हरा, और क्या होने वाली है मेजर अपडेट रिगार्डिंग रॉयल रंबल 2022, और कौन सी मैच फिक्स हो गई है फाइनली गोल्डबर्ग की एट क्राउन जूल पेपर व्यू, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे बॉबी लैशली एंड बिगी के मैच के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ये मैच किक ऑफ करने वाली थी मंडे नाइट रॉ, और ये मैच काफी कमाल की चल रही थी। बॉबी लैशली काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर तभी हर्ट बिजनेस वापस आ जाते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। उसके बाद न्यू डे आकर अटैक करते हैं इन दोनों को, एंड देन वो इस मैच में इंटरफेयर करते हैं और ये मैच एंड हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन में। उसके बाद फिर मेन इवेंट में ये मैच फिर से बुक हो जाती है, एंड दैट टू इन अ स्टील केज मैच। तो उस मैच में हमें देखने मिलता है कि बिगी जो है वो सेकेंड रोप से बिग एंडिंग दे देते हैं बॉबी लैशली को, और उन्हें पिन करके मैच जीत जाते हैं एंड रिटेन करते हैं WWE चैंपियनशिप। तो यहाँ पर दोस्तों, बिगी ने क्लीन हरा दिया है बॉबी लैशली को, आप कह सकते हैं। तो अब क्या बॉबी लैशली का चैप्टर हो चुका है खत्म WWE चैंपियनशिप पिक्चर से, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं, एंड वो चैलेंज करते हैं बिगी को WWE चैंपियनशिप के लिए। तो इट सीम्स लाइक ड्रू मैकइंटायर होंगे नेक्स्ट चैलेंजर टू फेस बिगी फॉर WWE चैंपियनशिप। अब क्या इनकी मैच क्राउन जूल पेपर व्यू में होती है या फिर वो होती है रॉ के ब्रांड में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ड्रू मैकइंटायर हील टर्न लेते हैं या फिर वो एज अ फेस ही फिरते हैं बिगी से। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे गोल्डबर्ग के बड़े मैच के बारे में एट क्राउन जूल पेपर व्यू। दोस्तों, सबको लग रहा था कि एक्सट्रीम रूल्स के बाद गोल्डबर्ग आने ही वाले हैं आज के रॉ में, और आज के रॉ में हमें गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने मिला, एंड दैट टू वाया सैटेलाइट। और यहाँ पर दोस्तों, गोल्डबर्ग ने काफी तगड़ा प्रोमो कट किया है ऑन बॉबी लैशली। गोल्डबर्ग ने ये कहा है कि गेज गोल्डबर्ग उनके बेटे हैं, और जिस तरीके से बॉबी लैशली ने समर स्लैम में गेज गोल्डबर्ग को अटैक किया था, उसका बदला बिल गोल्डबर्ग जरूर लेंगे। गोल्डबर्ग ने आगे कहा कि वो गेज को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे, और जो प्रॉमिस उन्होंने अपने वाइफ एंड सन को किया है कि लैशली को हर्ट करने का, वो जरूर करेंगे एट क्राउन जूल पेपर व्यू। और वो जो बीटिंग देने वाले हैं बॉबी लैशली को, वो हर एक सेकेंड एंजॉय करने वाले हैं गोल्डबर्ग, क्योंकि गेज उनके सन है एंड बॉबी लैशली जो है वो गोल्डबर्ग के विक्टिम बनने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली की मैच कंफर्म हो गई है क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए, जो होने वाला है सऊदी अरेबिया में एट अक्टूबर 21। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गोल्डबर्ग को कब अनाउंस किया जाता है रॉ के लिए, और कब हमें देखने मिलता है गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली का कन्फ्रंटेशन। जब भी आमने सामने होंगे, ये पक्का है कि इन दोनों की ब्रॉल होने वाली है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इन द कमिंग टाइम। अब दोस्तों, बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रॉयल रंबल 2022 से। रॉयल रंबल साल को किक ऑफ करता है, और ये पेपर व्यू काफी इंटरेस्टिंग होता है एंड काफी एक्साइटिंग भी। एंड एक गुड न्यूज है रेसलिंग फैंस के लिए कि रॉयल रंबल जो है वो काफी बड़े कैपेसिटी में होने वाला है। अभी 2022 का रॉयल रंबल होने वाला है सेंट लुइस में, और ये होने वाला है द डोम स्टेडियम में। दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी 40,000 प्लस होने वाली है, तो ये मिनी रेसलमेनिया हो सकता है यहाँ पर दोस्तों। और दोस्तों, ये वेन्यू भरने के लिए आपको बड़े नामों की काफी जरूरत होगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर में रोमन रेंज एंड बाकी सब तो है ही, बट सेंटर पर है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इसका मतलब है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर इस रॉयल रंबल का पार्ट होने ही वाले हैं। तो क्या उनकी सिंगल्स मैच होती है या फिर वो पार्ट होते हैं 30-man रॉयल रंबल मैच में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर WWE को और भी हेल्प चाहिए टिकट सेल करने के लिए, तो उनको बड़े नाम की जरूरत होगी जो कि रिटायरमेंट से आ सकते हैं, लाइक अंडरटेकर। एंड मे बी अगर WWE बुक करते हैं गोल्डबर्ग को भी इस रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए, तो काफी मजा आएगा। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है रॉयल रंबल पेपर व्यू में।
जस्ट इमेजिन अगर ब्रॉक लेसनर 30 मैन रॉयल रंबल मैच में होते हैं और अगर रोमन रेंस भी उसी मैच में कम्पीट कर रहे होंगे, तो जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो कितना मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि रॉयल रंबल पेपर व्यू में 30 मैन रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर आमने सामने थे ही नहीं कभी। तो अगर 2022 के रॉयल रंबल में ऐसा होता है तो काफी मजा आएगा, एंड ये भी मजा आएगा देखने कि विंस मैकमैन कौन से बड़े लेजेंड्स को इंक्लूड करता है। क्या वो इंक्लूड करते हैं अंडरटेकर या फिर गोल्डबर्ग को या फिर किसी और को। पर एक बात है दोस्तों कि रॉयल रंबल काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रॉयल रंबल के लिए एंड WWE के रिमेनिंग पेपर व्यूज के लिए ऑफ दिस ईयर। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा आज का रॉ, सेकंड क्या आप रेडी है गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के लिए, थर्ड आप कितने एक्साइटेड हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए, और क्या आप देखना चाहेंगे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंटेशन इस 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।